देखिए, अब हम लोग जो है ऑक्साइड्स के बारे में जो है कुछ बातें करेंगे। ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स क्या है? नाम से ही इसका डिफिनेशन क्लियर है, माने जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। जब किसी मेटल या नॉन मेटल में ऑक्सीजन मिलता है या ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग ऑक्साइड्स कहते हैं। मतलब व्हेन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स आर फॉर्म। ऑक्साइड्स जनरली चार तरह के होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, इसको नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड, इसके बाद बेसिक ऑक्साइड है, इसको हम लोग मेटलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तीसरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और फोर्थ है न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स को एनहाइड्राइड भी बोला जाता है, एनहाइड्राइड। अब देखिए, जो नॉन मेटल है जैसे सी है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सीओ टू बनाएगा, तो सीओ टू जो है हमारा वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। मतलब नॉन मेटल और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, उसको हम लोग जो है एनहाइड्राइड भी बोलते हैं या एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्यों पड़ा नाम? क्योंकि ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं तो करिस्पॉन्डिंग एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे CO2 है, वाटर के साथ मिलेगा तो H2CO3 बनेगा। यदि हम SO2, अब SO2 में क्या है, सल्फर नॉन मेटल है, अब ये ऑक्सीजन के साथ मिला तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बना। अब ये जो है वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा तो H2SO3 बनाएगा, तो H2SO3 हमारा जो है एक एसिड है, इसलिए SO2 को हम लोग जो है एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शंस करने के बाद एसिड का फॉर्मेशन करें। दोज ऑक्साइड्स विच फॉर्म एसिड व्हेन दे रिएक्टेड विथ वाटर इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। दोज ऑक्साइड विच फॉर्म करेस्पॉन्डिंग एसिड्स, करेस्पॉन्डिंग एसिड्स when they react with water, इसको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। और बेसिक ऑक्साइड में मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए Na2O को ले लीजिए, अब ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, तो मेटल और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बेसिक ऑक्साइड या मेटलिक ऑक्साइड बनता है। और ये यदि वाटर के साथ कंबाइन हो जाए तो 2NaOH, माने ये बेस बन गया। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शंस करने के बाद बेस का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग मेटलिक ऑक्साइड बोलते हैं। दोज ऑक्साइड विच फॉर्म करेस्पॉन्डिंग बेस, corresponding base when they react with water is called metallic oxides। अब amphoteric oxide क्या होते हैं? amphoteric oxides में जैसे हैं आपका Al2O3 है, ZnO है। अब देखिए, ये एक ऐसे oxide होते हैं कि जो acid और base दोनों के साथ रिएक्शंस करने के बाद साल्ट और वाटर बनाते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शंस करने के बाद साल्ट और वाटर बनाएं और बेस के साथ भी रिएक्शंस करने के बाद साल्ट और वाटर बनाएं, उनको हम लोग केमिस्ट्री में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। माने दोज ऑक्साइड्स विच फॉर्म साल्ट एंड वाटर, either they react with
आइदर दे रिएक्ट विथ, आइदर दे रिएक्ट विथ एसिड आर बेस। अब देखिए जैसे Al2O3 है, Al2O3 को यदि हम एसिड माने HCl ले लिए, HCl के साथ रिएक्शन करा दें तो Al और Cl मिलकर के AlCl3 बनाएगा और H2O बन जाएगा। यहाँ दो Al है, दो से इंटू कर दिए, 6Cl है, 6 हो गया और यहाँ 3 कर दिए। अब देखिए AlCl3 एक साल्ट है और ये वाटर है, मतलब ये Al2O3 एसिड के साथ रिएक्शंस करने के बाद साल्ट और वाटर बनाया। यदि हम इसी Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्शंस करा दें तो एक प्रोडक्ट बनता है NaAlO2 प्लस H2O। अब इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यह भी एक साल्ट है, माने Al2O3 NaOH के साथ ही रिएक्शंस करने के बाद साल्ट और वाटर बनाया। मतलब एक ही ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ साल्ट और वाटर बना रहा है, यानी इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। अब न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। दोज ऑक्साइड्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। दोज ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स है।